सुप्रभात। यस, सुप्रभात बोलते ही हमारे सारे बच्चे पहचान जाते हैं कि आज हमारा पीरियड हिंदी का है। यस, है ना? ओके, देखिए दो फ्रेंड्स आपसे मिलने आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रेनी सीजन में बारिश में आपको पता है ना, बहुत सारा पानी हो जाता है। तो पानी में क्या रहती है? मछली। तो आज ये ना मछलियां हमारे सारे बच्चों से मिलने आ गई हैं रेन वाटर के साथ। ओके, तो अब हम इनको थोड़ा सा इंप्रेस कर देते हैं और इनको इनसे रिलेटेड एक कविता सुनाते हैं ताकि ये और खुश हो जाएगी आपसे मिलने के बाद। यस, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखो, ये मछली जो है ना, इनका आप नाम रख सकते हैं। मैंने इनका नाम चिंकी रख दिया है। ओके, एक चिंकी है, एक मिंकी है। तो ये मछलियां हमसे मिलने आई है, तो हम मछलियों को पोयम सुनाने वाले हैं। बोलिए। ओके, मेरे साथ एक्शन के साथ रिवाइज भी कीजिएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। फिर से, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। यस, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था ना कि हमें फिश को वाटर से नहीं निकालना चाहिए, पानी से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बेचारी मर जाएगी, है ना? हमारे एनवायरमेंट के लिए फिशेस भी जरूरी है। ओके यस डियर, तो आज आपका हिंदी का पीरियड है और आपको प्रीवियसली भी मैंने आपको जो इसके पहले पीरियड थे इसमें क्या पढ़ाया था, हिंदी में जो आपके स्वर हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है अगेन आपको रिवाइज करना है मेरे साथ। चलिए, स्वर, आपको पता है स्वर कहाँ से शुरू होते हैं? यस, अ अनार से। यस, तो हम अनार का ढूंढेंगे सबसे पहले। वेरेस, यस दिस इज अनार का, ये है अनार का। अनार के बाद कौन सा अक्षर आता है? आम का। देखिए आम बोलते समय मेरा मुंह थोड़ा सा ब्रॉड हुआ। आम का। ई, छोटी ई, इमली का। ई, ईख का, बड़ी ई। ई के ऊपर आपको ये देखिए निशान है ना, ईख का, बड़ी ई। ई के बाद उल्लू का, ऊन का। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। ऊन के बाद ए, एड़ी का। ए, एनक का। अब ओखली का। औ, औरत का। अम, अंगूर का। आहा, खुशी का। ये पूरा की पूरा फ्लावर पॉट आपके स्वर से बना हुआ है। अब हम पिक्चर के साथ इसको मैच करने की एक्टिविटी करेंगे। ये देखिए आपके यहाँ पर स्वर लगे हुए हैं और उनके साथ उनके पिक्चर्स हैं। अच्छा, इनके जो चित्र हैं इनसे आपको क्या करना है बेटा, मिलाना है ना? हम इसे मैच करने की एक्टिविटी और हिंदी में से मिलाना बोलेंगे। तो आपको अ अ स्वर है, अ से क्या होता है? अनार। देखिए अ से अनार। अ आम का। अगला अक्षर है आपका ई, इमली का। ई, इमली का। ई, ईख का, बड़ी ई, ईख का। ऊ, छोटा ऊ, ऊ से क्या आता है? ऊ, उल्लू का। आपने ऊ से उल्लू का पिक्चर को मैच कर दिया, मिलाया। ऊ, ऊन का।
देखिए इस तरह से आपने ये जो किया है, इस तरह आपको पिक्चर्स को और भी पिक्चर्स आप घूम के मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। ओके अच्छा बच्चों, आप देखिए मेरे सर्कल में क्या लिखा है, इस गोले के अंदर क्या लिखा है आपको, आपके स्वर अ आ ई ई उ ऊ, और ये क्या है, सारी चित्र है। ये सारे चित्र आपको क्या करने हैं, मिलान करना है, किससे, जो आपके अक्षर स्वर है उनसे। ओके एक बार हम ये भी करेंगे। तो पहला अक्षर हमारा अ, अ से क्या आता है, अनार। ओके अब हम इन पिक्चरों में अनार देखेंगे, ये देखेंगे अनार का, इसे लाइन से इस तरह से मिला देंगे, अ अनार का, आ आम का, यस आप यहां देखिए ये है आम, आप इसे इस तरह से भी मिला सकते हैं, आ आम का। अच्छा बच्चों, ये तो मैं जो सिखा रही हूँ इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट भेजने वाली हूँ, तो आपको भी इसी तरह नीट एंड क्लीन मैच करना है, वेब्स नहीं बना देना। ओके हाँ, ई ई से क्या आता है, खट्टी खट्टी क्या होती है, इमली, ई इमली का, तो अब हम यहां से ई वर्ड को इससे मिला दें, ई इमली का। अगला अक्षर होता है, देखो छोटी ई के बाद क्या आती है, बड़ी ई, ई से क्या होता है, ईख, ईख यानी गन्ना है ना, ई और ये दिख रहा है ईख, इस तरह से हमने ई ईख से मिला दिया। अब छोटा ऊ, ऊ से क्या आता है बेटा, ऊ उल्लू का, ऊ उल्लू का, इस तरह से आपने उल्लू से मैच किया। अब देखिए हमारे पास एक ही अक्षर और एक ही पिक्चर बची है, ऊन का, ऊन का, इस तरह से आपको मैंने ये बताया है, यही मैं आपको वर्कशीट में भी भेजूंगी, तो आप मुझे इस तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे हिंदी की वर्कशीट। ओके तो चलिए हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।